और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में अब श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिल सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 50 दिनों से मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए बंद था। महाकाल मंदिर के प्रशासक ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर हालात की समीक्षा की गई, हमने श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के गर्भगृह को खोलने का फैसला किया है। वहीं वसंत पंचमी के मौके पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाबा महाकालेश्वर मंदिर में अब गर्भगृह को खोल दिया गया है दर्शन के लिए। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब गर्भगृह को खोल दिया गया है, श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी होगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के गर्भगृह को खोलने का फैसला सामने आया है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के प्रशासक ने यह बात कही है कि अब मंदिर का गर्भगृह खुल चुका है। और कहते हैं मध्य प्रदेश अजब है, और ऐसा ही एक अजब गजब मामला प्रदेश के भिंड जिले से सामने आया है। भिंड में शनिदेव की मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मंदिर की चोरी हुई मूर्ति को ढूंढने में जुट गई थी। पुलिस ने मूर्ति खोज भी निकाली, लेकिन बरामद हुई मूर्ति यमराज की निकली। जी हाँ, मूर्ति यमराज की निकली। अब मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में पुलिस की किरकिरी हो रही है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पुलिस ने जो मूर्ति सौंपी है वो शनिदेव की नहीं बल्कि यमराज की है, और मूर्ति में यमराज भैंसे पर बैठे दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 15 दिन पहले ही 21 जनवरी को लहार के भाटनटाल के पास बने नवग्रह मंदिर से अज्ञात चोरों ने शनिदेव की मूर्ति चोरी कर ली थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोग और मंदिर प्रशासन ने पुलिस को दी थी। आनन फानन में पुलिस ने रौन जैतपुरा के बीहड़ों से एक मूर्ति बरामद के ग्रामीणों को सौंप दी, लेकिन मूर्ति शनिदेव की नहीं बल्कि यमराज की है, जिसके बाद पूरे मामले पर पुलिस की किरकिरी होती नजर आ रही है। महाराज जो पूजा किया करते थे, जो पुजारी थे मूर्ति को, उन्होंने उसको पहचाना। बाकी जो पूजा करने आसपास के ग्रामीण जन जो आए थे, उन लोगों ने भी मूर्ति को पहचाना। इनका कहना ये वही है, और जो कमेटी है, कमेटी एक्चुअली बनी हुई है, कमेटी के साथ बातचीत करी गई है। कल 12 बजे कमेटी अभी अभी बनी है, महीना भर नहीं हुआ उसको। कल 12 बजे ये निर्णय लिया जाएगा कि अब इसका प्रतिष्ठा कब करनी है। शायद कभी कोई मुहूर्त नहीं है, अप्रैल में चैत्र के समय में मुहूर्त निकलेगा, तो उसके प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारी कमेटी ने सबने फैल कर दी, वो नहीं है जी, वो वाली मूर्ति नहीं है। अच्छा, तो अभी तक शनिदेव की असली मूर्ति नहीं आई है। अच्छा, तो पुलिस का क्या कहना था आपसे? पुलिस को यही कहना है कि मूर्ति माना मूर्ति, ऐसा होता तो क्या उम्मीद लगती है आपको, मूर्ति आ जाएगी? अब प्रभु जाने, या डिपार्टमेंट जी शासन जाने, शासन चाहे तो कुछ भी आ सकता है। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि मूर्ति प्रभु आ जाए वापस, तो और अच्छी बात है, सब भक्तों के दिल भी।